हेलो शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि 2 अगस्त से स्कूल खुलने शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 10वीं और 12वीं की कक्षाएं 2 अगस्त से प्रारंभ होनी है, शुरू होनी है, जिसके लिए आप लोगों को खास तौर पर गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। तो सभी शिक्षक साथी जो कि स्कूल खोलने वाले हैं, अपने स्कूलों में उनको अनिवार्य रूप से बहुत सारी तैयारी करवानी है, जिसको आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, जिसकी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, साथ ही बाकी शिक्षक साथियों के साथ शेयर करिएगा। और मेरे चैनल में नए हैं तो बिल्कुल फ्री में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 10वीं और 12वीं की कक्षाएँ 2 अगस्त 2021 से शुरू होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कक्षाओं का संचालन जो है 50% उपस्थिति के साथ किया जाना है। जी हाँ दोस्तों, कक्षा में सिर्फ 50% बच्चे जो है उपस्थिति देंगे, यानी कि 50% बच्चों को ही आपको बुलाना है। और बच्चों की उपस्थिति हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ करना है, वो ये है पालकों का सहमति। जी हाँ दोस्तों, बच्चों के पालकों की सहमति जो है अनिवार्य किया गया है, जिसके आधार पर बच्चों को आपको स्कूल बुलाना है। यानी कि विद्यार्थियों को उपस्थिति हेतु आप जो है मजबूर नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते। तो पालकों की सहमति के आधार पर ही बच्चों को स्कूल बुलाना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो यदि कोविड के एक भी प्रकरण नहीं है, ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायतों पालकों के परामर्श से स्कूल का संचालन का निर्णय जो है लेना होगा, निर्णय वो समिति ही लेगी। तो इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भी स्कूलों के संचालन के संबंध में स्थानीय पार्षद और पालकों की सहमति से निर्णय लिया जाएगा। तो वहीं शाला में कोरोना के संक्रमण हेतु जारी गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से सख्त तैयारी करते हुए उनका पालन करना होगा, जिसको आप ये सभी बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों के लिए अनिवार्य कार्य जो है इसमें क्या क्या है, जिसके आधार पर स्कूल खोलना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही बाकी शिक्षक साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल में नए हैं तो बिल्कुल फ्री में चैनल सब्सक्राइब करके जाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।